हाय गाइस, मैंने OSMS प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कर दिया। आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको इजीली। पहले मैंने सोचा था कि गिटहब में अपलोड करूँगा, बट मैंने अपना माइंड चेंज करके सोचा कि इसको इंस्टामोजो में ही कर देते हैं। फ्री है यहाँ भी, तो चिंता करने की बात नहीं है। सो yikisource.com पर आपको जाना है। मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, yikisource.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तो अभी शुरू में ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मे बी ये 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आप देखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो आपको सर्च करना पड़ जाएगा यहाँ से, या फिर आप कोर्सेज वाले टैब में जाइएगा। कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा PHP प्रोजेक्ट लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। आज करें या फिर 10 साल बाद आप ओपन करें इस वेबसाइट में, जब तक ये वेबसाइट ज़िंदा होगा तब तक ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। बस आपको ढूंढने का तरीका पता होना चाहिए, या तो आप सर्च कर लीजिएगा। मे बी वॉइस में इस वेबसाइट का लुक भी चेंज हो जाए, मुझे आइडिया नहीं अभी कि वॉइस में क्या होगा, लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सो जैसे भी, जिस भी तरीके से आपने इसको फाइंड किया हो, बस आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट में क्या आपको सीखने को मिलेगा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इसमें क्या क्या हम मैं कवर करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। वीडियो लैंग्वेज हिंदी में होगा, इसमें क्या होगा। आप यहाँ वॉच ऑन यूट्यूब में क्लिक करके इसका पूरा प्लेलिस्ट सीरियल नंबर के साथ फॉलो कर सकते हैं। अभी एक ही वीडियो है, बट धीरे धीरे इसमें बहुत सारा वीडियो चला आएगा, तो आप इसको प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सीरियल नंबर दिया हुआ, बहुत लोग कहते हैं कि सीरियल नंबर दे दीजिए, तो सीरियल नंबर ऑलरेडी रहता है यूट्यूब में, हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट आप लोग प्लेलिस्ट से देखते नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता। सो प्लेलिस्ट से देखिएगा तो आपको यहाँ सीरियल नंबर, देखिए अभी 1 लिखा हुआ है, दूसरा डालूंगा तो यहाँ 2 लिखा हुआ रहेगा, तो आपको सीरियल नंबर ऑलरेडी मिल जाता है। फिर डाउनलोड करना कैसे है इस प्रोजेक्ट को, पूरा प्रोजेक्ट फाइल कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको डाउनलोड्स में यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपको लेकर जाएगा मेरे इंस्टामोजो स्टोर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वह 678 KB का मात्र, और ये जिप फाइल है। अभी बहुत लोगों को जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करना नहीं पता होता, तो जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी आपको फाइल्स मिलेंगे। ये तो बहुत छोटा छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है इंस्टामोजो के स्टोर में। इसमें जो जिप फाइल है इसमें आपको मिलेगा PHP फाइल सारे के सारे, CSS फाइल सभी कुछ, जितने भी इमेजेस मैंने यूज़ किए इस प्रोजेक्ट में सब मिल जाएगा। आपको SQL का फाइल भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ इसमें मिल जाएगी। कोई इशू होता है आप मुझे इसमें ईमेल कर सकते हैं, लाइक डाउनलोड नहीं हो रहा या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हैं, मैं इसमें आपको जल्दी से रिप्लाई कर दूंगा। सो अगर इसको डाउनलोड करना है तो क्या करना है, आपको बाय नाउ में क्लिक करना है। अब बाय नाउ देखकर घबराना नहीं है कि पैसा देना पड़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये फ्री है। बाय नाउ में क्लिक किया, बाय नाउ में क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम लिखना है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया राज। अपनी ईमेल आईडी आपको लिखनी है, तो मैंने लिख दिया अपनी ईमेल आईडी yikisource@gmail.com। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर भी लिख दिया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मन है 10 रुपये 20 रुपये चंदा देने का, तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जितना भी आप चाहें उतना पे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, आपको लगता है कि 1 रुपया भी मुझे खर्च नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें क्लिक कीजिएगा क्लेम दिस फॉर फ्री। ये फ्री में चला आएगा, 0 यहाँ अपने आप हो जाएगा। फिर आप क्लेम फॉर फ्री में यहाँ क्लिक करके इसका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आप हालांकि आपका पैसा नहीं लगा बट पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। देन आप इस ग्रीन डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे तो ये आपका जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। देखिए जिप फाइल हमारा डाउनलोड हो गया। IDM होगा तो इस तरीके से डाउनलोड होगा, वरना आपके ब्राउज़र में यहाँ नीचे आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा ये वाला पूरा जिप फाइल। इसमें क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर उससे पहले ईमेल जो आपने इसमें डाला है, मैं उस ईमेल में आपको लेकर चलता हूँ। सो ये ईमेल आईडी है जो मैंने पेमेंट करते वक्त, यानी कि इसको डाउनलोड करते वक्त दिया था। तो आपको भी इस तरीके से एक ईमेल मिलेगा, आप इसको स्टार करके रख लीजिएगा, बिकॉज़ ये ईमेल बहुत ही यूज़फुल है। अगर मैं इसमें कुछ अपडेट करूँगा, मान लीजिए कि कोड मैंने चेंज किया और फिर से मैंने इंस्टामोजो में अपडेट किया इस फाइल को, तो आप यहाँ पर आना है आपको और डाउनलोड फाइल्स में क्लिक करना, आपको अपडेटेड फाइल डाउनलोड होकर मिलेगा और वापस आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो ये ईमेल काफ़ी यूज़फुल है, इसको आपको स्टार करके रख लेना है अपने पास। आप कभी भी 1 साल बाद 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप यहाँ डाउनलोड फाइल में क्लिक कीजिए, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको दोबारा से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ओके सो बस यही दिखाना था मुझे इस ईमेल में आकर। लोग ईमेल चेक नहीं करते हैं पेमेंट करने के बाद, तो उनको पता नहीं होता कि ऐसा भी फीचर है। सो हमेशा चेक करते रहिए, आपको 3 महीने 6 महीने के बाद जो मैंने पुराना अपडेट किया हुआ है वह आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ डाउनलोड होकर मिलेगा। सो बस यही था, इसको लॉग आउट कर देते हैं हम लोग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये हमें मिला क्या, डाउनलोड होकर हमें क्या मिला है वह दिखाता हूँ। सो ये वाला जिप फाइल आपको मिलेगा डाउनलोड होकर, आपको इसको राइट क्लिक करना है। अगर अपने विनजिप आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, मैंने एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर OSMS, तो OSMS नाम का एक फोल्डर बनेगा नया, देखिए यहाँ बन गया और इसमें सारी फाइल्स हैं। इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर OSMS का एक और फोल्डर और यहाँ पर ये फाइल्स दिखाई देंगे। यहाँ इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एडमिन से रिलेटेड सारी PHP के फाइल्स, यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो CSS का सारा फाइल, यहाँ पर आप देखेंगे तो इमेजेस जो भी मैंने यूज़ की हूँ वो सारा इमेज आपको मिल जाएगा। देन आपका JavaScript का फाइल यहाँ पर है, देन रिक्वेस्टर का सारा फाइल यहाँ पर है और कुछ और फाइल्स PHP के यहाँ पर, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट फाइल जितना भी है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ में SQL का फाइल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसको यूज़ कैसे करना है एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनेगा वैसे वैसे आपको एक एक फाइल क्रिएट करना बताया जाएगा। बट फिर भी अगर किसी को अभी ही इस प्रोजेक्ट को रन करके देखना है अपने सिस्टम में तो आप कैसे कर सकते हैं, ये आप जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।